So hello everyone, my name is Tanvi Goyal and my science name is Neetu Tanvi and I'm a first prof MBBS student. So basically आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं how to prepare yourself for a draw. तो as you all know, अगर आप लोगों ने मेरी previous videos देखी होगी तो कि मैं भी एक dropper हूँ, ठीक है. मैंने भी एक साल का drop लिया था and एक साल का drop लेने के बाद like in my second attempt मेरा NEET clear हो पाया. And to mention again, उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी videos नहीं देखी है कि in my first attempt I got 227 marks and in my second attempt I got 681. तो basically अगर मेरे बहुत सारे videos पे comments भी आए हैं कि दीदी जब आपने drop लिया तो आपने मतलब खुद को कैसे समझाया कि अब आपको वापस से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. आपने लाइक वो करेज जो है उसको कैसे मतलब लाइक उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी वगैरह सब चल रहे होते हैं. तो लाइक बेसिकली कि आप अपने आप को रेडी कैसे करने वाले हो कि आप ड्रॉप लेने वाले हो बोथ इमोशनली एंड मेंटली. तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ ड्रॉप ऑफ नीट अगेन फॉर नीट. तो यार देखो, आई नो कि ये जो फेज़ है ना, ये एक डिफ़िकल्ट फेज़ होता है एंड ऐसा नहीं है कि ये जस्ट मैं बोल रही हूँ, मैंने इस चीज़ को खुद से फील किया है, इसलिए मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ. तो यार देखो, जब डिसाइड हुआ ना, लाइक जब मैं फर्स्ट टाइम नीट दे के आई एंड मतलब घर आ गई, मुझे घर आने से पहले भी जब मैंने मतलब एग्ज़ाम दिया था, मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने पढ़ाई ही नहीं की थी. एंड जब घर आने के बाद मैंने फिर भी कैलकुलेट वगैरह किया तो मुझे पता था कि हाँ, मेरा स्कोर कुछ बन ही नहीं रहा है. बट मेरे को ऐसा था कि यार मेरे को ड्रॉप नहीं लेना है, लाइक नीट मुझे हो ही नहीं पाएगा, मैं नीट के लिए बनी ही नहीं हूँ और लाइक मुझे कुछ भी और करना है बट मुझे नीट नहीं करना है. बट उसके बाद फिर मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि नहीं, मतलब कि अगर मैं अकेडमिकली अपनी स्कूल लाइफ में ठीक ठाक परफॉर्म करती आ रही हूँ देन आई शुड गिव नीट अ चांस. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पेरेंट्स ही थे जिन्होंने मुझे फोर्स किया था ड्रॉप लेने के लिए, अदरवाइज आई वॉज कम्प्लीटली कन्विंस्ड कि यार मुझे नीट को एक और साल नहीं देना है. तो अगर आज मैं इस MBBS कॉलेज के अंदर हूँ, सो ऑल थैंक्स टू माई पेरेंट्स, क्योंकि अगर उस टाइम पे उन लोगों ने मुझे फोर्स नहीं किया होता तो ना मैंने ड्रॉप लिया होता और ना मैंने नीट की तैयारी की होती और ना मेरा नीट क्लियर होता, तो मैं यहाँ पे आज इस जगह पे इस पोजीशन पे स्टैंड नहीं कर रही होती. तो यार देखो, सबसे पहले तो जो होना था वो हो चुका है. अगर तुम्हारा नीट में सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ बिकॉज ऑफ रैंक इन्फ्लेशन या पेपर डिफिकल्ट आया है, कोई बात नहीं, एक साल तैयारी करो. बट अगर तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ ना क्योंकि तुमने पहले ही मन लगा के पढ़ाई नहीं करी थी, तो तैयारी तो तुम्हें अब भी करनी है. बट एट द सेम टाइम तुम्हें क्या करना है, गिल्ट फील करना है, रिग्रेट फील करना है कि व्हाट इफ तुमने अगर अभी पढ़ लिया होता तो तुम्हारा नीट क्लियर हो जाता. तो देखो, अब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है. अगर तो तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम्हें नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना पड़ेगा. तो अभी तुम्हारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, लाइक एक सिंगल ही दरवाज़ा है तुम्हारे पास एंड तुम्हें उसमें ही एंटर करना पड़ेगा. तो यार देखो कि नीट 2025 का पेपर डिफिकल्ट आया था एंड ये हाई एक्सपेक्टेशन है कि 2026 एंड 2027 का पेपर भी डिफिकल्ट आए. तो नीट के पेपर की तैयारी तुम लोगों को अभी से शुरू कर देनी चाहिए, जिसके लिए नीट प्रेप एसेंशियल ऐप लेके आया है हार्डेस्ट क्वेश्चन सब कोर्स, जिसके अंदर तुम डिफिकल्टी वाइज इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो. और अगर तुम NCERT अभ्यास बैच में एनरोल करते हो तो तुम्हें काफी सारे फीचर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाले हैं, जैसे कि NCERT का पेज वाइज फिल्टर. तुम NCERT का जो भी पेज रीड करोगे तुम उसमें से क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो एंड इन क्वेश्चंस की भी तीनों लेवल पे डिफिकल्टी लेवल रहने वाली है, तो तुम उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो. इसके अंदर बुकमार्क फीचर भी अवेलेबल है. इसके अलावा तुम्हारा आ जाता है AR पावर अप कोर्स, जिसके अंदर तुम्हें अजर्शन, रीजन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, मैचिंग, लेबलिंग, जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन है वो तुम्हें सारे मिल जाएंगे. प्लस तुम्हें कस्टम टेस्ट जनरेटर भी मिल जाएगा, जिससे तुम अपने लिए कोई भी टेस्ट जनरेट कर सकते हो किसी भी डिफिकल्टी लेवल का. तुम अभी अभ्यास बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो एंड जैसे आप लोगों को पता है कि जो नीट का एग्जाम है वो OMR बेस्ड आता है, तो तुम OMR की प्रैक्टिस भी कर सकते हो. अगर तुम अल्टीमेट कॉम्बो लो, जिसके अंदर तुम्हें 50 OMR शीट्स मिलेंगी, NCERT अभ्यास बैच मिलेगा एंड साथ में सारे कॉम्प्लीमेंट्री फीचर्स मिलेंगे एंड 3 days का रिफंड भी है एंड बाकी की डिटेल्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. हाँ, तो यार देखो, जब मैंने फाइनली ड्रॉप ले लिया था उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ. मतलब मुझे इवन ये तक समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं चीज़ों को वापस जीरो लेवल से स्टार्ट करूँ या फिर जो मेरे ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं मैं उन्हें ही आगे कंटिन्यू करूँ, कोचिंग ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, मैं दिन में कितने घंटे पढ़ाई करूँ, मैं कोचिंग करूँ तो ऑफलाइन करूँ ऑनलाइन करूँ, मैं अपना क्या टाइम टेबल बनाऊँ, मैं दिन में पढ़ूँ रात में पढ़ूँ, मैं कैसे पढ़ूँ, लाइक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. एंड जो मेरा प्रीवियस ईयर का स्कोर था उससे तो मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड थी, इसी मुझे डीप डाउन पता था कि मैंने नीट की तैयारी नहीं की है, बट स्टिल वो जो स्कोर था ना उसे देख के मुझे अलग ही लेवल ऑफ डिप्रेशन हिट करता था. बट
एक मोमेंट ऑफ टाइम के बाद, लाइक जब मैंने ड्रॉप लिया उसके एक महीने बाद तक तो मैंने सच में कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझसे पढ़ा जा ही नहीं रहा था. बट उसके एक महीने बाद ना मुझे एक दिन सडन ये रियलाइजेशन हिट की कि यार अगर मैंने अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया ना तो मेरा ये साल भी वेस्ट हो जाएगा. एंड हु नोस कि मेरे को अगले साल दोबारा से ड्रॉप लेना पड़ जाए, क्योंकि यू नेवर नो कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें क्या कहें, तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हें क्या कहें. तो जिस दिन मुझे रियलाइजेशन हिट की है ना, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अगले दिन ही अपना टाइम टेबल बनाया और अगले दिन से ही पढ़ना शुरू किया. तो यार देखो, ऐसा नहीं है कि अगर तुमने ड्रॉप लिया है तो ऐसा कोई स्टार्ट बटन आएगा कि जो स्टार्ट बटन तुमने प्रेस कर दिया तुम ड्रॉप के लिए पढ़ने लग जाओगे. ठीक है, या तो वो तुम्हारी खुद की मोटिवेशन होगी, या तो एक मोमेंट ऑफ टाइम पे आने के बाद ये चीज़ तुम्हें खुद से रियलाइज होगी कि अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. अगर अभी भी तुमने नहीं पढ़ा तो मतलब ख़त्म है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं. तो यार देखो, मैं इस टाइम पे जिस स्टेज में तुम लोग हो ना, मैं वो कम्प्लीटली बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ. मतलब कितना ज़्यादा डिप्रेशन होता है, कितनी एंग्जाइटी होती है, एंड मतलब इतने ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं ना, मतलब कभी आपने सोचा भी नहीं होगा. काफ़ी लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इन सब चीज़ों को सोचते सोचते रात में भाई सो भी नहीं पाते हैं. ठीक है, लाइक उन्हें तो लगता है कि मतलब अब ज़िंदगी ख़त्म सी ही हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है. बट यार देखो, तुमने अगर अब ड्रॉप लिया है ना, चाहे तुमने खुद अपने मन से ड्रॉप लिया हो या तो तुम्हें फोर्स करके ड्रॉप दिलवाया गया हो, आफ्टर ऑल तुम ड्रॉप ले चुके हो. अब तुम अपने ज़िंदगी का एक साल जो है ना वो इस चीज़ के नाम पे लिख चुके हो. अब तुम दो चीज़ें कर सकते हो, या तो तुम सोचो कि यार मैंने मतलब चलो ठीक है, मैंने नाम तो कर दिया कि एक साल का मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, बट मुझसे नहीं हो रहा तो मैं नहीं पढ़ता. अल्टीमेटली क्या होगा कि वो वेस्ट जाने वाला है कम्प्लीटली. यार देखो, तुम्हारी लाइफ का ना हर एक सेकेंड प्रीशियस होता है, ये तो सेकेंड भी नहीं है, एक पूरा एक साल है. ठीक है, अगर तो तुमने सोचा कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा साल गया वेस्ट. बट अगर तुम सोचो, देखो पता है मेरा ना स्टार्टिंग में यही माइंडसेट था कि यार मुझसे नहीं होगा, बट जिस दिन मुझे ये चीज़ हिट की ना कि यार मैं अपनी लाइफ का एक इतना प्रीशियस साल इस चीज़ में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो वाई नॉट गिव इट अ चांस. मतलब जब मैंने अपना एक साल इस चीज़ के नाम पे लिख ही दिया है तो एक बार मैं कोशिश करके तो देखती हूँ ना, क्या पता हो जाए. चलो 99% नहीं हो रहा है, बट आई ऑलवेज केयर फॉर दैट 1% कि क्या पता हो जाए. ठीक है, तो तुम्हें भी यही चीज़ करनी पड़ेगी. यार देखो, लाइक मैं ना तुम लोगों को अपने छोटे भाई बहन की तरह समझा रही हूँ. इस कंडीशन में पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन भी तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, बट एक मोमेंट आएगा जिस टाइम पे तुम्हें रियलाइजेशन होगी कि हाँ तुम्हें करना शुरू कर देना चाहिए. अदरवाइज तुम्हारा अगला साल भी तुम्हारे पिछले साल जैसा ही होने वाला है, एंड हु नोस ये उससे अगला भी वैसे ही हो. क्योंकि मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये ना एक लूप है, एक विशियस सर्कल है. ठीक है, तुम इसे रैट रैप कह लो, कुछ भी कह लो, बट अगर तुम्हें इससे बाहर आना है ना तो तुम्हें दूसरों से अलग होना ही पड़ेगा. अदरवाइज तुम इससे बाहर नहीं आ पाओगे, तुम इसी में ही फंसे रहोगे. एंड यार देखो, कड़वा लगेगा बट सच बोल रही हूँ, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा कि चार साल इस चीज़ में लगाने के बाद तुम किसी और कोर्स में एनरोल करो. ठीक है, मतलब देखो ये चीज़ तो तुम्हें भी पता है ना कि जितनी रिस्पेक्ट तुम्हें एज अ डॉक्टर मिल सकती है, उतनी तुम्हें और किसी ऑक्यूपेशन में ढूंढना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है, तो मुझे पता है कि करना आसान नहीं है, बट आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो बस यहाँ पे आके बोल रहा है. ठीक है, मैंने इस चीज़ को खुद से एक्सपीरियंस किया है और तभी मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि पहले दिन नहीं होगा. ठीक है, पहले हफ्ते भी नहीं होगा, पर एक मोमेंट आएगा जब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि नाउ इट्स द टाइम टू स्टार्ट योर जर्नी अगेन एंड टू प्रूव. ठीक है, औरों को प्रूव करने से पहले ना तुम्हें खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ तुम कर सकते हो. ठीक है, जब तुम्हें खुद पे ना अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में कि मुझसे हो जाएगा, बट एक मोमेंट आएगा जब तुम्हें वो कॉन्फिडेंस फील होगा. एंड अगर वो कॉन्फिडेंस भी फील नहीं होगा ना यार, तो एटलीस्ट तुम्हें वो रिग्रेट फील नहीं होगा जो तुम्हें पिछले साल हो रहा था. ठीक है, और जितने भी वो बच्चे हैं ना जिन्होंने मन लगा के पढ़ाई नहीं करी थी, वो तुम लोग ना यार इस लाइन को पक्का रिलेट करोगे. ठीक है, क्योंकि अगर जिस बंदे ने अपना 100% नहीं दिया होता ना, देखो अगर मान लो तुमने बहुत कोशिश करी बट तब भी तुम फेल हो गए, तुम्हें खुद से वो नहीं होगा. ठीक है, तुम खुद को हेट नहीं करोगे उस कंडीशन में, बट अगर तुमने मेहनत नहीं करी और फिर तुम फेल हो गए तो उसमें तुम किसको ब्लेम करोगे? तुम किसी दूसरे को तो ब्लेम कर ही नहीं सकते. पहले तो तुमने ही ढंग से पढ़ाई नहीं करी, तुम किसी और दूसरे को क्या ब्लेम करोगे इस चीज़ पर? समझ रहे हो? तो यार देखो, गो ईजी विद योर सेल्फ. ठीक है, अभी इनिशियल टाइम है. ठीक है, अभी जून आएगा, अभी इनिशियल टाइम है. ठीक है, मई में हुआ ही है पेपर, एक महीना दो खुद को. ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करो. ठीक है, और उसके बाद अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ एंड और वापस से लग जाओ. ठीक है, क्योंकि तुम्हें खुद को प्रूव करना है कि तुम किसी चीज़ को करने के काबिल हो.
ठीक है, तुम सिर्फ धरती का बोझ बढ़ाने के लिए नहीं आए हो इस दुनिया में, तुम कुछ करने के लिए आए हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़्यादा अपने दिमाग पे नहीं बिठाना है कि यार तुमने जॉब ले लिया है, पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम डॉक्टर बन पाओगे, तुम एडमिशन ले पाओगे नहीं ले पाओगे। देखो यार, तुम अभी छोटे हो, ठीक है, तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लिए अभी नहीं रेडी हो। तुम्हें बस अभी क्या करना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब तुमने ड्रॉप ले लिया है, एक साल इस चीज़ को दे दिया है, तो इस एक साल को यूटिलाइज़ कर लो, ठीक है। देखो यार, तुम अगर कभी भी कोई चीज़ करते हो ना लाइफ में, तो उसका जो आउटकम है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं होता, तुम्हें 100% अश्योर्ड। ऐसे भगवान जी ऊपर से आके तुम्हें नहीं कहते कि बेटा ये कर लो, ये मैं तुझे दे ही दूंगा। तुम लाइफ में जितनी भी चीज़ें करते हो वो अनसर्टेनिटी में ही करते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है, तो जब कोई चीज़ सर्टेन है ही नहीं, तो एक साल नीट के लिए भी पढ़ के देख लो ना यार। अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट तुम्हें इस चीज़ का रिग्रेट नहीं रहेगा कि तुमने कोशिश नहीं की, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ यार, ज़िंदगी में ना रिग्रेट्स के साथ जीना बहुत मुश्किल है। एक बारी को तुम फेलियर्स के साथ जी लोगे, बट रिग्रेट्स के साथ नहीं जी पाओगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना हमेशा, फेलियर्स के साथ जीना इज मच मोर इजियर देन लिविंग विद रिग्रेट्स योर होल लाइफ। तो इस चीज़ को दिमाग में रख के चलो थोड़ा सा, ठीक है यार। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू गिव नीट इन कमिंग ईयर्स। थैंक यू।